अस्सलाम वालेकुम, नारिफुर न्यूज़ की खास खास खबरों के साथ मैं हूं ता खबर शामिल करते मंडी बहाउद्दीन से शान अशरफ की तफसीलात के मुताबिक। मंडी बहाउद्दीन असिस्टेंट कमिश्नर इम्तियाज अली बेग ने कहा है कि स्पेशल बच्चे मुल्क और कौम का सरमाया है। वालदैन को चाहिए कि इनकी तालीम व तरबियत पर खसूसी तवज्जो दें ताकि ये मफीद शहरी बनकर मुल्क की मैशियत में अहम किरदार अदा कर सकें। शान अशरफ की तफसीलात के मुताबिक मंडी बहाउद्दीन में गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन स्कूल का दौरा के मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर मिर्जा इम्तियाज बेग का कहना है कि स्पेशल एजुकेशन में तालीम हासिल करके बच्चों को बुनियादी सहूलियात फराहम करना हमारा फ़र्ज़ है और इनकी बेहतरी के लिए ठोस इकदाम करेंगे। उन्होंने स्पेशल एजुकेशन के माजूर बच्चों से इनके क्लासरूम में जाकर इनकी तालीमी काबिलियत का जायज़ा लिया और तदरीसी अमूर की तारीफ की। माजूर बच्चों ने स्कूल के अपग्रेडेशन का मुतालबा करते हुए कहा कि अगर स्कूल को हाई का दर्जा मिल जाए तो अपनी तालीम को आगे बढ़ा सकते। बाद हज़ार असिस्टेंट कमिश्नर मिर्जा इम्तियाज़ बेग ने बच्चों में तहफ़ तकसीम किए और सब्जाजार में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया। इस मौका पर सीओ एजुकेशन तौकीर शाह और महकमा जंगलात के अफसरान भी मौजूद थे। हमें सर सीढ़ियों चढ़ने की उतरने की बहुत प्रॉब्लम्स होती है। हम व्हील चेयर्स पे आते हैं और हमें बहुत प्रॉब्लम होती है आने में, उतरने में, चढ़ने में। और अगर ये बिल्डिंग चेंज हो जाए तो जो है ना बहुत अच्छा होगा। तो इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं बोलना। थैंक यू। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट के लिए नारिफोर न्यूज के साथ रहिएगा। आप हमारी खबरें YouTube और Facebook पर भी देख सकते हैं। मजीद खबरों के लिए हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए www.narifournews.us। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।